कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा रविवार को पूर्व केंद्रीय राज्य गृह मंत्री आईडी स्वामी एवं उनकी पत्नी के निधन के उपरांत शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए सेक्टर 13 करनाल के उनके आवास पर पहुंची। उन्होंने कहा कि आईडी स्वामी मिलनसार व्यक्ति थे। उनके जाने से राजनीति के साथ साथ सामाजिक नुकसान भी हुआ है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वह सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे और किसी पार्टी बाजी के चक्कर में ज्यादा नहीं रहते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के कार्य करवाए हैं। इस मौके पर उनके साथ असंत से विधायक शमशेर सिंह गोगी, पूर्व विधायक सुमिता सिंह, सरदार त्रिलोचन सिंह, अरविंद मान नीचू, राजवीर चौहान के अलावा काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने एनआरसी पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी सत्ता मिली है, वह जाति धर्म में भेदभाव करके आपसी लड़ाई झगड़े करवाने में विश्वास रखती है। नमस्कार मैम, आज स्वामी जी के यहाँ आए हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत दुख की बात है, हम साथ भी रहे, उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचय भी था, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। पार्टी की अलग बात होती है, लेकिन उनमें जो एक आत्मीयता थी वो अपने आप में एक मिसाल रही है। परिवार को हम पहले से जानते हैं, उनके बड़े बेटे हम साथ पढ़ते थे चंडीगढ़ में, और बहुत ही लोगों से मिलनसार और लोगों के बीच में रहने वाले, सेवा करने वाले सज्जन व्यक्ति थे। उनके जाने से पूरे समाज को एक दुख पहुँचा है, एक कमी आई है, लेकिन भगवान उनको और उनकी पत्नी के आत्मा को शांति दे, और चाहेंगे कि उनके आशीर्वाद से परिवार भले भले। तो मैम, जो ये नागरिकता संशोधन कानून है, इस पे पाकिस्तान में काफ़ी कुछ हुआ है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? कांग्रेस क्या पाकिस्तान से कभी हमें कोई उम्मीद ना रही, ना होनी चाहिए, और भारत सरकार को इस मामले को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए और सही स्तर पर लेना चाहिए, और हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाकर ढंग से इस बात को लेना चाहिए, ताकि उनकी सुरक्षा भी सर्वोपरि रहे। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जो भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में जिस तरह से बंटवारा करने की कोशिश की है, ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए और हमारे संविधान के साथ उन्होंने वार किया है। हमारे देश की सभ्यता बंटवारे को कभी भी मान्यता नहीं देती है। हमारे यहाँ का भाईचारा हजारों साल का है, और वो हमारा देश, हमारे देश के लोग हमेशा कायम। लेकिन मैम, इस बिल में कहीं पे भी किसी भी नागरिक का विरोध नहीं है, सभी को नागरिकता और एकजुटता है। आप इस एक्ट की एक्ट के स्पिरिट को आप समझिए कि इसके पीछे क्या है। आपने जब एक्ट में ही बंटवारा किया, जो कि हमारा संविधान जिस बात को मान्यता नहीं देता है, आपने संविधान के मूल रूप के साथ खिलवाड़ किया। पाकिस्तान इस बात को समझने की बात जो गुरुद्वारे में हुई वारदात, जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैलाने में, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इस चीज में माहिर है, जिस तरह की ये भाषा का उपयोग दुरुपयोग करते हैं उसमें माहिर है, लोगों को गलत बात बताने में माहिर है, लेकिन जो असली इन्होंने संविधान के स्पिरिट के साथ खिलवाड़ किया, हमारा प्रियम्बल क्या कहता है उसे पढ़िए और देखिए कि इन्होंने क्या किया। बात दूसरे देश के साथ करने की नहीं है, उस चीज़ को तो ये लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो मूल संविधान के साथ खिलवाड़ किया है बात वो है। ये देश कभी भी ऐसे बंटवारे को मान्यता नहीं दे सकता। तो ननकाना साहिब में जो सिखों की बेटी के साथ हुआ है, हमारी बहुओं के साथ जो भी अत्याचार, बहुत गलत बात है। हमने पहले कहा कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। आप वहाँ जाकर बिरयानी खाते थे, उन्हें गले लगाते थे, तब आपने इन बातों को देखना चाहिए था। और ये भी देखना पड़ेगा कि आज आपने पाकिस्तान को आप किस स्तर पर ले आए हैं। भारत देश बहुत बड़ा देश है, बहुत महान देश है, लेकिन आप पड़ोस के एक छोटे देश को इस लेवल पर ला रहे हैं, ये आपकी बेटी।
थैंक यू। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।